हर फिल्म में मेरी कोशिश रही है कि आ, लुक अलग हो पर्सनैलिटी वो अलग दिखे शेरशाह से तो ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है इसकी गुस्से पे कभी कभी हंसी आती है बिकॉज

की स्पेशलिटी ये है कि ये स्क्रिप्ट आपको हंसाते हंसाते इमोशनल कर सकती है कि अगर एक इंसान की भी थॉट चेंज हो जाती है हमारी एक एंटरटेनिंग फिल्म से तो फॉर आज द बिगेस्ट अचीवमेंट जब एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते हो तो एक गम की बात पे बार बार क्यों दुखी होते

थैंक यू सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जी आप तीन दशक से भी ज्यादा समय से बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज बना रहे हैं और हम सब की लिस्ट में वो बहुत सारी मूवीज जी इस बार, में क्या नया हमें देखने को मिलेगा? इस बार आपको कॉमेडी के साथ में एक मैसेज भी मिलेगा यस yes. और ये फिल्म ऐसी है कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा सकते right. हैं बैठ देख सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं एंड uh, एक लेसन लेकर घर वापस आ सकते हैं अल्टीमेटली कुछ एक अच्छी बात घर आप ले जाएंगे वेरी नाइस nice. अच्छा सिद्धार्थ नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप जो भी मूवीज करते हैं ऑब्वियसली लोग आपको बहुत पसंद करते हैं राइट बट ज्यादातर लोगों ने आपको एक्शन मूवीज में या फिर सीरियस ड्रामा रोल्स में देखा है तो व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आपको लगा इस बार बिल्कुल डिफरेंट जोरना ट्राई करने चाहिए मैं हमेशा कहानियाँ चुनता हूँ कोशिश वही रही है कि अच्छी कहानी हो आपको एक एक्सपीरियंस मिले बड़े पर्दे पर और इस बार इतफाक़ की बात है कि यू नो इंदू जी और मैं कब से बातें कर रहे थे अलग अलग कहानियों पर डिस्कशन हुआ पर जब मैंने ये कहानी सुनी उनकी एकदम स्टार्ट टू फिनिश जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला मैं बहुत हंसा इसमें काफ़ी ऐसे एंटरटेनिंग चीज़ें हैं पिक्चर में जो लोग ट्रेलर में भी देख रहे हैं exactly. और फिर हर एक इमोशनल पॉइंट पे पिक्चर एंड होती है जो कि लोग देखेंगे और उसके बाद ये आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करती है कि हाँ यार मैं भी ऐसा करता हूँ यार शायद ज़िंदगी में मैं भी कभी जैसे हमारे ट्रेलर में है यू नो you know, कभी एक बार जब आप जो अजय सर की लाइन है कि जब एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते हो हुँ. तो एक गम की बात पे बार बार क्यों दुखी होते हो राइट right. तो ऐसे ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने हमें कुछ सिखाने की कोशिश करी है तो मुझे वो बहुत पसंद आया और वो मैं कहूंगा एक एडवांटेज है कि ये एक एंटरटेनिंग कॉमेडी में में दर्शाया जा रहा है जो hmm. कि शायद मैंने पहले ऐसा नहीं किया होगा एंड आई थिंक हु इज बेटर देन यू नो कुमार जीटली टू मेक मी डू दैट तो इट्स अ परफेक्ट हैप्पी कॉम्बिनेशन बहुत एक्साइटेड है इस दिवाली को लेकर uh, क्योंकि हंसी का माहौल रहता है दिवाली पे ऊपर भी तो हमारी पिक्चर हमने कहा यार एकदम एकदम सही मैच करेगी hmm. इस दिवाली के त्यौहार पर hmm. इस ट्यूजडे यानी कि पच्चीस अक्टूबर को पिक्चर आ रही है तो हम एक्साइटेड है बस पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए वेरी नाइस nice. uh, अच्छा रकुल यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वैसे तो uh, आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं राइट right? जी बट मुझे जानना है कि आपके टैलेंट का क्या सीक्रेट है कि आप हिंदी मूवीज भी करती हैं आपने तमिल मूवीज भी करी हैं एंड आपने तेलुगु मूवीज भी करी हैं जी तो सीक्रेट कुछ नहीं है मतलब आई थिंक ये थैंक गॉड कि मैंने, uh, मैंने. Uh, uh, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने hmm. uh, सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया एंड आई थिंक डेस्टिनी थी ऐसे कुछ प्लान right. नहीं था दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन तेलुगू वहाँ से फिर तमिल वहाँ से फिर हिंदी uh, तो आई थिंक जब टाइम में hmm. जब लाइफ में जो होना होता है वो उसी तरह से होता है Uh, and I very grateful that जी गर्म पानी मतलब मुझे तो मालूम भी नहीं था की लोग गर्म पानी क्यों exactly. डालते है सो so, गोलगपे नाइस nice, मेरा भी अच्छा सर आपसे एक और सवाल करूंगा मैं वैसे तो आप ऑलमोस्ट सभी तरीके की कॉमेडी मूवीज बनाते हैं Uh, लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं आपने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज खुद डायरेक्ट करी है कि इंडिया का जो कॉमेडी जॉनरा है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है और क्या उसके अंदर आपको लगता है कि अच्छा है या क्या आपको लगता है कि उसमें चेंज होना चाहिए चेंज uh, इतना कोई खास नहीं हुआ है ओके okay. बट फिर भी हुआ है यस yes. जैसे uh, पहले हम uh, जब कॉमेडी डिजाइन करते थे तो बेसिकली हम सोचते थे कि फ्रंट बेंचर्स या ऑटो वाला या बोलते ना जो लो रैंक के जो लो लोग होते जो मास होती थी बेसिकली हम उनको माइंड में रख के पूरे सीन्स और कॉमेडी सोचते थे इन सबको समझ आया लेकिन अभी क्या है अभी हो गई है ऑडियंस एजुकेटेड Exactly. तो आप इतनी जल्दी उनको बेवकूफ नहीं बना सकती इनफेक्ट अभी ज्यादा मेहनत लगती है उनको right. हंसाने के लिए बिकॉज right. आज जो सब अवेलेबल है नेट पे। right. तो और लोग बहुत जल्दी भी करते हैं। करते हैं। हैं तो वो भोले लोग थे ये लोग स्मार्ट लोग हैं। अच्छा <laughs> तो मतलब ही कितना डिफिकल्ट होता है खुद को एक मोल्ड से पूरी तरीके से खत्म करके फिर वापस एक नए मोल्ड में ढालना क्योंकि आपने इससे पहले जो मूवी 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 करी थी वो ऑब्वियसली लोगों को 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 बहुत पसंद आई बट अगर उस को और इस कैरेक्टर के साथ साथ हम देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है तो कितना डिफिकल्ट होता है बिल्कुल आई थिंक हर फिल्म में, में मेरी कोशिश रही है कि आ, लुक अलग हो पर्सनैलिटी वो अलग दिखे शेरशाह से तो ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है राइट पिछली उसमें अलग किस्म की मेहनत थी टेक्निकल मेहनत थी एक्शन की मेहनत थी कैरेक्टर की मेहनत थी यहाँ पे भी हमने काफ़ी प्रेप किया जो भी मैं कहूँगा एक्शन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है पर कॉमेडी करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है बड़े पर्दे पर आ, स्किल्स अलग हैं टाइमिंग अलग होती है तो उसके लिए काफ़ी रीडिंग्स हुई हम घर पे मिलते थे मेरे इंदू जी और राइटर्स मिलकर जहाँ पे हम डिस्कस करते थे एक सीन पे कि यार ये कैसा टोन होना चाहिए उसका कैसा सुर होना चाहिए Uh, और मेरे लिए आई थिंक ये आयान कपूर जो किरदार में प्ले कर रहा हूँ ये फनी इसलिए है बिकॉज आपको इसकी फ्रस्ट्रेशन पे गुस्सा मतलब हंसी आती है इसके गुस्से पे कभी कभी हंसी आती है बिकॉज ये, ये गुस्से में पटांग चीजें बोलता है अच्छा. या ए, कंट्रोल नहीं होता गुस्से पे आई थिंक ह्यूमर कैन बी अ वेरी ग्रेट यू नो लाफ्टर पॉइंट तो मुझे मेरी तरफ से मैंने वो कोशिश करी है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो कुछ अड़ातेड़ा करें आपको उसमें थोड़ी सी हंसी मिली हंसी आए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लगे Uh, तो या आई थिंक वही मेहनत उस पर है अलग सुर है अलग दुनिया है अलग सिचुएशन भी ऐसा exactly, हाँ. you know, नहीं है, किसी को नहीं पता है mm -hmm. कि यार आप लिबर्टी तो तो ले सकते हो तो हमने पिक्चर में अच्छा। लोगों को अच्छे लगेंगे मजा आएगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रकुल आप बताइए आपको हमने ऑलमोस्ट हर तरीके के कैरेक्टर में देखा है इस मूवी में रकुल का कौन सा नया अवतार लोगों को देखने को मिलेगा आई थिंक द कॉप अवतार मैंने द कॉप अवतार बिकॉज आई हैव इन प्लेड अफोर ऑफकोर्स ये फिल्म एक कोई कॉप यूनिवर्स नहीं है तो mm -hmm. वो वो साइड इतना भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया बट उसके शेड्स हैं मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको mm -hmm. मालूम पड़ेगा बट अदरवाइज जो मेरा कैरेक्टर है रूही का वो कॉप हैं बट बहुत राइटियस हैं फिर भी एक इमोशनल वे में भी डील करती हैं है उनकी अपनी, पुरी उनकी पुरी अपनी फैमिली है और exactly. वो एक स्टेबलाइजर है ऐन mm -hmm. की लाइफ में तो जितना ये इनको गुस्सा आता है जो इनके सेवन सिंस है वो तो बैलेंस करने की करने को, करने को, कोशिश करती हैं सो या सो इट्स अ वेरी स्वीट रोल या सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि uh, अगर देखा जाए तो इस मूवी में एक ट्रेजेडी होती है अपेयरनली और फिर उससे कॉमेडी निकल के आती है तो ये बहुत ही डिफरेंट कांसेप्ट है बहुत ही डिफरेंट आईडिया है तो आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली कि ऐसा कुछ होना चाहिए एक्चुअली ये ज़िंदगी तो है ना जो हम हुँ. मतलब जो हमारे सेवन सिंस हैं exactly. वो अपनी लाइफ से ही आते हैं ना बेसिकली exactly. हम भड़क जाते हैं हुँ. कभी हम बह जाते हैं हुँ. कभी हमको पैसे इग्रेड हो जाती है कभी हम लस्ट के बहाव में बह जाते हैं दर सो मनी ह्यूमन वो इमोशंस तो सारे हमने एक फिल्म में डाल दिए हैं

तो उसी पे आई थिंक ये बहुत ही प्यारी एक स्क्रिप्ट है जिस पे जब आप हंसते हंसते बाहर निकलेंगे थिएटर से उम्मीद करते हैं कि अब आप खुद सोचेंगे भी यार ये डायलॉग याद है ऐसा बोला मैं भी ऐसा करता हूँ यार अच्छा मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा हूँ अपनी फैमिली के साथ ऐसा हूँ अपने काम पर ऐसा करता हूँ तो आई थिंक वो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा लोगों को आफ्टर सींग दिस एंटरटेनिंग जॉनर में ऐसा आई थिंक काफ़ी सालों बाद हुआ है

आई थिंक जिंदगी भी ऐसी चलती है आई डेफिनेटली आई डू बिलीव इन कर्म आई एम वेरी कर्म कॉन्शियस आई वुड से uh, मैं उसके लिए अच्छा। काफी और नहीं नहीं हमारी माइथोलॉजी में तो बोलते भी है ना मतलब हमारे तो हाँ। सब बोलते ही है कि अपने कर्मों का हिसाब लेने कोई बैठा है ऊपर एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल हाँ। बिल्कुल <laughs> आ, अच्छा रकुल आप मुझे बताइए कि आप दोनों आपस में पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं तो uh, सिद्धार्थ को कोई फनी इंसिडेंट सेट से जो आपको याद है जो अभी तक लोगों नहीं नहीं, को नहीं बताओ नहीं ऐसे फनी इंसिडेंट तो कभी uh, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं मतलब नॉट दैट आई रिमेंबर ऑफ कोर्स सेट पे कुछ ना कुछ होता रहता है बट यू डोंट रियली रिमेंबर कि फनी इंसिडेंट बट हाँ इस फिल्म में बिकॉज हम कॉमेडी शूट कर रहे हैं इस फिल्म में एक हम um, एक ऐसा शॉट है जो शॉट है पिक्चर में एक्चुअली

उसमें हमने दिखाया भी है कि ये पूछते हैं कि भाई अजय आके इनसे बात करते हैं और संस्कृत में बात करते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है अच्छा तो ये पूछते बोलते भाई तुम क्या बोल रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो बोलता है इसीलिए हम ऐसे रहते हैं अच्छा एनी एंड अगेन द मॉडर्न गाय तो अभी मॉडर्निज्म का जमाना है exactly. तो हर एक को मॉडर्न होना चाहिए ना तो भगवान मॉडर्न हो गए तो क्या बुराई हो गई बिल्कुल सही बात है

तो तो uh, कि आज की दुनिया में में उनको हम हम क्या बोल रहे हैं अगर हम mythology में shift कर देते हाँ। उस, उस इसे को तो पूरी क्ट लगती है exactly. भाषा अलग होती है आपकी जो बातचीत डायलॉग्स अलग होते हैं अच्छा रकुल बस आपसे एक आखिरी सवाल कि ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर को मूवी आ रही है Thank God. जी uh, कोई एक particular reason कि लोगों को क्यों जाना चाहिए मूवी देखने के लिए क्या मजा आने वाला उनको आई थिंक uh, जैसे हमने कहा कि एक कॉमेडी है एक एंटरटेनर mm -hmm. है वो सब तो है बट थैंक गॉड की स्पेशलिटी ये है mm -hmm. कि ये स्क्रिप्ट आपको हंसाते हंसाते इमोशनल कर सकती है right. और आपको इंट्रोसेप्ट इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करेगी यू you नो know? एक एक आपको एक सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होगा कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं mm -hmm. हम लोग भी सोचते हैं कि हम सब सही हैं यू नो वी ऑल थिंक कि हम करेक्ट exactly. हैं हम कभी कोई गलती नहीं करते या हमारे कर्मा सही हैं लेकिन हर इंसान कनेक्ट करेगा और अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक अवे फ्रॉम थैंक गॉड क्योंकि अगर एक hmm. इंसान की भी थॉट चेंज हो जाती है हमारी एक एंटरटेनिंग फिल्म से hmm. तो फॉर आस दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट वेरी नाइस सो थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक मूवी के लिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अपनी टिकट बुक कराएंगे और 25 अक्टूबर को देखेंगे थैनगॉट